नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, 26 मई 2021 को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पहला चंद्र ग्रहण है पूर्ण वाला, इसमें दूसरा जो 2021 का सुपर मून है, वो दोनों घटना एक साथ होने वाली है। मतलब इसे सुपर लूनर इवेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें सुपर मून भी होगा, चंद्र ग्रहण भी होगा, और चांद का जो रंग है वो खूनी लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। तो किस प्रकार से सुपर मून की घटना होती है, ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून किसे कहते हैं, और जो चांद का रंग है वो लाल कैसे हो जाता है, इन सब पे हम बहुत ही आसान भाषा में इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं learnj321@gmail.com पे, या फिर यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कोई भी सब्जेक्ट की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और बात करते हैं सबसे पहले कि जो अभी 26 मई को चंद्र ग्रहण होने वाला है, इसका नज़ारा भारत में दोपहर 2:17 से शुरू होगा। भारत में बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, ये करीब 5 घंटे चलेगा। शाम 7:07 पे चंद्र ग्रहण भारत के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया के और जगह पे और हिस्सों में इसको बहुत ही ज़्यादा देर तक देखा जा सकता है, जिसमें शामिल हैं प्रशांत महासागर की मध्य रेखा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के पूर्वी किनारों और अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर यह दिखाई देगा। यह अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर दिखाई देगा, तो ये जगह पर यहाँ पर काफ़ी देर तक बना रहेगा ये जो जगहें हैं। साथ ही साथ ये अमेरिका के पूर्वी आधे हिस्से में भी दिखाई देगा। तो 26 मई का जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दोपहर में 2:17 से, मतलब कल, शुरू होगा। अब हम बात करेंगे कि जो सुपर मून है या ब्लड मून है, ये टोटल कितनी देर तक रहेगा। ये टोटल रहेगा 14:30। जो सुपर मून है ये 14:30 के लिए रहेगा। आगे हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और लगभग 12 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी पर एक अंडाकार गोल ना होकर के एक अंडाकार आकृति में चक्कर लगाता है, मतलब इसकी जो घूर्णन रेखा है वो क्या है, एक एलिप्टिकल है, एक अंडाकार है। तो इससे क्या होता है कि कई बार ये पृथ्वी से दूर होता है और कई बार ये पृथ्वी के पास होता है, अपनी जब घूर्णन इस पर करता है, परिभ्रमण करता है उस चक्कर में। चंद्रमा अपने अक्ष पे भी 5 डिग्री झुकाव रहता है, जैसा पृथ्वी झुकी रहती है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे, तो चंद्रमा का भी एक झुकाव होता है। इस वजह से जो फुल मून की घटना है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सीधी रेखा में आने में चंद्रमा को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो भी अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका रहता है। तो ये घटना जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे छिप जाता है और उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये घटना क्या होती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी से होकर चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि जो चंद्र ग्रहण है वो कहलाता है। ये घटना पूर्णिमा वाले दिन घटित होती है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, अमावस्या को होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान है, सबको मालूम रहती है लगभग। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा वाले दिन, और जो सूर्य ग्रहण वो कब होता है, अमावस्या को। तो जो चंद्र ग्रहण है ये सुपर मून कैसे बनता है, या सुपर मून किसे कहते हैं। तो सुपर मून क्या होता है, जब अभी हमने यह देखा कि पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए चंद्रमा जो है एक अंडाकार आकृति को जनरेट करता है, इसकी जो ऑर्बिट रहती है वो एक कैसी रहती, अंडाकार रहती, गोल ना होकर के अंडे के आकार की रहती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, उसमें क्या होता है, कई बार ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, जिससे क्या होता है कि 14% बड़ा दिखाई देता है। जब ये पृथ्वी के सबसे करीब होता है चंद्रमा, उस समय क्या होता है, अपने पथ पर ये 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। चंद्रमा से पृथ्वी की जो सामान्य दूरी है और जब वो पास आता है, उनकी दूरी को जब हम कंपेयर करेंगे तो लगभग
50,000 किलोमीटर का अंतर मिलता है। 406,300 किलोमीटर की दूरी होती है एक यूजुअल दूरी चंद्रमा की, लेकिन जब सुपरमून की घटना होती है तो ये 356,700 किलोमीटर दूर ही रहता है केवल। तो इसमें लगभग 50 किलोमीटर की दूरी का अंतर घट जाता है, जिससे क्या होता है चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास आ जाता है, और 14% ज़्यादा बड़ा और 30% ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब आप इस फिगर से देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये सुपर मून का हिस्सा है, जिसमें ये पृथ्वी से 14% ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और ये जो हिस्सा है वो नॉर्मल जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है, और इसकी जो चमक होती है वो भी 30% ज़्यादा रहती है। अब आप इस फिगर में और आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, इस पे ये चक्कर लगा रहा है, तो ये जो दूरी है ये 362,600 किलोमीटर या 362,700 किलोमीटर की जो भी दूरी है, ये दूरी कम हो जाती है कंपेरेटिवली इस दूरी के, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है। इससे क्या होता है कि जब ये सबसे करीब होगा चंद्रमा पृथ्वी के तो वो घटना क्या कहलाएगी, सुपरमून। अब बात करते हैं कि चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है। जैसे कि अभी घटना हो रही है जिसमें सुपरमून और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि सुपरमून अगर यहाँ पर हो रहा होता और चंद्र ग्रहण नहीं होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा लाल नहीं दिखाई देता। लेकिन अभी क्या है कि जो 26 मई की घटना है उसमें चंद्र ग्रहण, वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और जो सुपरमून है वो दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इससे क्या होता है, कारण क्या है इसके, वो समझेंगे कि जो पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है सूर्य का, उसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें रहती हैं। जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो रहती है वो रहती है हमारे लाल रंग की। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सूर्यास्त और सूर्योदय का समय जो है हमको हल्का लाल दिखाई देता है। तो क्या होता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, सॉरी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो प्रकाश तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो किरणें हैं वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल से छन करके जो सूर्य के प्रकाश की जो वेवलेंथ वाली किरणें हैं रेड, वो वहां तक पहुंच जाती हैं चंद्रमा तक। तो चंद्रमा काला ना दिखाई कर देखिए वो लाल दिखाई देता है। आप इस फिगर से समझेंगे कि ये जो इधर से सनलाइट आ रही है, पृथ्वी इसको पूरी तरीके से ढक लेती है सनलाइट को, लेकिन जो लाल रंग होता है जिसकी वेवलेंथ अधिक होती है वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से छन करके वो चंद्रमा के सतह तक पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है कि जो रंग है चंद्रमा का वो काला ना दिख के, शैडो होने के बावजूद, जबकि चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया होती है, उसके बावजूद जो रंग होता है चंद्रमा का वो लाल नज़र आता है। तो ये घटना जो है खूनी चंद्रमा की घटना या ब्लड मून कहलाता है। अब बात करेंगे हम कि ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार हम इसको सुनते हैं अंग्रेजी प्रोवर्ब्स में, अंग्रेजी कहावतों में, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी घटित होने वाली घटना। तो ब्लू मून में नाम के हिसाब से कुछ नहीं होता है, चंद्रमा का रंग नीला नहीं होता है। जैसे रेड ब्लड मून में ब्लड की तरह रेड हो जाता है चंद्रमा, लेकिन इसमें नीला नहीं होता है। क्या होता है ब्लू मून, इसको समझेंगे कि ब्लू मून में जब एक महीने में दो पूर्णिमाएं हो जाएं, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, पूर्णिमा को, अगर मान लीजिए कि 31 दिन में दो पूर्णिमाएं पड़ रही हैं तो क्या होगा कि दो बार चंद्र ग्रहण होगा, तो जो दूसरा चंद्र ग्रहण होगा वो ब्लू मून कहलाएगा। ऐसी घटना 2 से 3 साल में या 4 साल में कभी कभी घटित होती है, ये हर महीने नहीं होती है। तो इस वजह से वंस इन अ ब्लू मून कहावत यहीं से बनी है कि कभी कभी होने वाली घटना। तो ब्लू मून का उसके कलर से, उसके नाम से कोई संबंध नहीं है। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। 26 मई 2021 को पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो कि एक सुपर मून लूनार इवेंट में तब्दील हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर से एक बार, फ्री PDFs के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।